नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। एक बार जब आप कोविड-19 वैक्सीन लगवा लेते हैं, चाहे वो कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक हो, इसके बाद का कदम कोविन पोर्टल पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें आपको वैक्सीन लग जाने का प्रमाण पत्र होता है। वैक्सीन सर्टिफिकेट में नाम, उम्र, आईडी के साथ वैक्सीनेशन डिटेल्स समेत एक क्यूआर कोड जैसे डिटेल्स दिए जाते हैं। क्यूआर वेरिफिकेशन कोड इसलिए दिया गया है ताकि कोई भी फोटोशॉप का इस्तेमाल कर किसी भी वैक्सीन सर्टिफिकेट को एडिट कर नकली वैक्सीन सर्टिफिकेट ना बना पाए। लिहाजा कोई भी इस क्यूआर कोड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और फर्जी सर्टिफिकेट तैयार नहीं कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने सर्टिफिकेट की प्रमाणिकता की जांच के लिए जनता के लिए एक वेरिफिकेशन सिस्टम भी जोड़ा है। इस सुविधा की बदौलत बिजनेस, ऑफिसेस और अन्य पब्लिक प्लेस पर यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किसी विजिटर ने टीका लगवाया है या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर किसी राज्य में बिना वैक्सीन लगाए लोगों पर रोक लगाई गई हो तो वहां इस सरकारी वेबसाइट का उपयोग करके ये पता लगाया जा सकता है कि शख्स ने वैक्सीन लगवाई है या नहीं। अच्छी बात यह है कि इसे किसी भी स्मार्टफोन के जरिए आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है, लिहाजा फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए कोविन वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई सर्टिफिकेट पर क्लिक करें या अपने इंटरनेट ब्राउजर के जरिए वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद वेबसाइट पर स्कैन क्यूआर कोड पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके डिवाइस पर कैमरे को एक्टिव करने के लिए एक नोटिफिकेशन आएगा, इसे अलाउ करें। अलाउ करने के बाद कैमरे को सर्टिफिकेट पर दिए क्यूआर कोड पर पॉइंट करें और स्कैन करें। बता दें कि क्यूआर कोड को कागज़ या डिजिटल सर्टिफिकेट पर भी स्कैन कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करने पर एक ऑथेंटिक वैक्सीन सर्टिफिकेट सक्सेसफुली वेरीफाइड नजर आएगा। अगर सर्टिफिकेट नकली है तो सर्टिफिकेट इनवैलिड बता दिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।